फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एंजल नंबर 131 को लेकर। फ्रेंड्स, एंजल नंबर 131 पावरफुल काम करता है। थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको। देखिए, 131 के जो प्रोजेक्शन है अपने आप में, ये जो नंबर है बड़े चेंज को लेकर के आता है, बहुत विजडम को लेकर के आता है। ये चेंज और ये विजडम, इस विजडम को लेकर के जब ये चेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं तो नया कुछ शिफ्ट आ रहा होता है, नया कुछ चेंज आ रहा होता है। ये इसके कुछ प्रोमिनेंट मैसेजेस हैं, ठीक है। और क्या कुछ इसके मीनिंग होते हैं, देखिए, जब भी 131 आपको दिखाई पड़ता है, मानकर चलिए आप लाइफ के ऐसे फेज में हो रहे होते हैं जहाँ पर आपको अपनी विजडम के साथ में काम करना होता है, जो आपने गेन की है। एक्चुअल में ये सोल कोई नॉर्मल सोल नहीं होती जिसको इस समय पर 131 के प्रोजेक्शन हो रहे। ये सोल एक ऐसे सोल जो विजडम को पा चुकी है, जिसने अपने क्या कहना चाहिए, पास्ट लाइफ के पाए हुए सारे विजडम को, या फिर इसी लाइफ टाइम में जो उसने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान गेन किया है, उसे सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को के जो रिजल्ट हैं वो कहना चाहिए उसके सोल के अंदर पे काम करेंगे। कुछ ऐसे है कि चीज़ें गले के अंदर हैं, बोल नहीं पा रहे। होता ना कोई शब्द, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और तो जब बोल रहे होते हैं तो वो चीज़ें पेट से उठ करके गले तक आ जाती है, बट वो हम बाहर नहीं एक्सप्रेस कर पाते, हम बोल नहीं पाते। यस, ये कुछ तो ये जो विजडम है ये अंदर है, सोल में है, सब चीज़ें हैं, बट इसको बाहर दिखाने के जब आपके चैलेंज होते हैं, बाहर जब आप एक्सप्रेस करने वाले होते हो या एक्सप्रेस करने के चैलेंज आपके होते हैं, तब आपको 131 दिखाई पड़ता है। और ये एक बड़ा चेंज होता है आपके लाइफ में। 131 के 131 को आप ऐड करोगे, नंबर आएगा 5 नंबर चेंज का नंबर है, ठीक है। आपको 5 नंबर का जब भी प्रोजेक्शन होता है तो मानकर चलिए कुछ बड़ा चेंज हो रहा है। मैंने 555 का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया भी है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो चेंज बताता है नंबर आपको। तो ये जो विजडम आपने पाई है, इसको जब आप बाहर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो, बाहर इन द सेंस 3D में जो प्रोजेक्ट करना शुरू कर दोगे, जैसे आप अंदर से बन चुके हो इस समय, वैसा ही जब आप बाहर दिखाना शुरू कर दोगे, लगातार वैसा बर्ताव करना दूसरे लोगों से शुरू कर दोगे, ये एक बड़े चेंज को क्रिएट करेगा। और इसी चेंज से आपकी और दूसरे सभी लोगों की लाइफ में अबंडेंस आएगी। वो 1 नंबर अबंडेंस को दर्शाता है, न्यू बिगनिंग्स को दर्शाता है और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, ठीक है जी। तो कहना चाहिए पावरफुल मैसेज है इसका। एक और थोड़ी सी चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आपको ये नंबर दिखाई पड़े ना, तो अपने अंदर की विजडम को जानने और इकट्ठा करने का प्रयास कीजिए। आपके हो सकता है अलग अलग चीज़ों में आपका इस समय पर चल रहा हो, बड़ा अलग अलग चीज़ों में आप चल रहे हो, तो उस सारी चीज़ों का विजडम जो है वो इकट्ठा कर लेना खींच। अगर आप 10 लोगों से कनेक्टेड हो, इन 10 लोगों में जो जो गुण हैं वो खींच करके इकट्ठा कर लीजिए, अपने अंदर लेकर आ जाइए, ठीक है। अगर 10 चीज़ों से कनेक्टेड हो, उन 10 चीज़ों में जो भी आपको सीखने के लिए मिल रहा है इकट्ठा कीजिए अपने अंदर, उसकी विजडम को ले लीजिए और फिर बाहर प्रोजेक्ट कर दीजिए एज इट इज़। ये इस समय आपको करना होता है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।